ना संघर्ष ना तकलीफ, तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ होंडा मोटर कंपनी के फाउंडर सोइचिरो होंडा की, जिन्होंने अपनी लगन, मेहनत और सोच के दम पर एक ऐसी कंपनी खड़ा कर दी जो कई दशकों से मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में पूरे विश्व पे अपना कब्जा जमाई हुई है। इसके अलावा ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भी इस कंपनी को 8वां स्थान प्राप्त है। दोस्तों, आज इस कंपनी में लाखों लोग काम करते हैं। कंपनी अरबों खरबों रुपए कमाती है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस कंपनी की शुरुआत एक छोटे से गैराज से हुई थी। चलिए दोस्तों, बिना आपका समय खराब किए हम सोइचिरो होंडा के संघर्ष से लेकर सफलता तक के सफर को शुरू से जानते हैं। सोइचिरो होंडा का जन्म 17 नवंबर 1906 को जापान के एक छोटे से गांव शिजुओका में हुआ था। उनके पिता का नाम गिही होंडा था, जो एक छोटे से लोहार थे और साथ ही साथ पुरानी टूटी फूटी साइकिलों को खरीदकर उसे रिपेयरिंग करने के बाद बेचने का काम करते थे। होंडा को भी शुरू से औजारों से खेलने का बहुत शौक था, और वो भी अपने पिता के उन कामों में उनका हाथ बटाते थे। घर के माहौल को देखते हुए होंडा को पढ़ाई लिखाई बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और इसीलिए उन्होंने 1922 में करीब 16 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़ दी। पढ़ाई छोड़ने के बाद उन्होंने एक न्यूज़पेपर में आर्ट सोकाई नाम की कार कंपनी में मैकेनिक की जॉब का ऑफर देखा और उस जॉब के लिए टोक्यो चले गए। टोक्यो पहुंचने के बाद उन्हें कंपनी में तो ले लिया गया, लेकिन उनकी उम्र को देखते हुए उन्हें सिर्फ साफ सफाई का काम दिया गया। वह उस छोटी सी कंपनी में सबसे कम उम्र के एम्प्लॉय थे, लेकिन होंडा ने सोकाई कार कंपनी के मालिक से रिक्वेस्ट किया कि उन्हें मैकेनिक का काम सीखने दे, और उनके रिक्वेस्ट को मानते हुए कंपनी के मालिक ने होंडा को दूसरे ब्रांच में भेज दिया, जहां रात को रेसिंग कार तैयार किया जाता था। होंडा अपने लगन और मेहनत से बहुत जल्द काम सीख गए और अगले कुछ ही महीनों में एक अच्छे मैकेनिक बनकर उभरे। 23 नवंबर 1924 को सोकाई कंपनी की कार ने 5वीं जापान कार चैंपियनशिप में हिस्सा ली और सभी कारों को पीछे छोड़ते हुए रेस में फर्स्ट आई। होंडा उस रेस में जीतने वाले कार के मैकेनिक के तौर पर काम कर रहे थे। इस जीत के साथ सोकाई टोक्यो की सबसे पसंदीदा कार बन गई, जिसके बाद उस कंपनी के बहुत सारे ब्रांचेस भी खोले गए, और उन ब्रांचेस में से एक ब्रांच को संभालने की जिम्मेदारी 21 साल के होंडा को दी गई। 1928 में होंडा ने सोकाई कंपनी छोड़ दी और घर वापस आ गए, जहां उन्होंने खुद का बिजनेस खोला और मैकेनिक का काम करने लगे। कुछ दिनों तक मैकेनिक का काम करने के बाद उन्होंने बड़ी कंपनियों के लिए सस्ते और टिकाऊ पिस्टन रिंग्स बनाने का फैसला किया, और फिर अपना सब कुछ लगाकर टोकीसिकी नाम की एक कंपनी बनाई और एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया। होंडा ने अपने बनाए हुए पिस्टन को बेचने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों से संपर्क किया, और जल्द ही उन्हें टोयोटा कंपनी को पिस्टन रिंग्स सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया। लेकिन उसी बीच एक रेस के दौरान होंडा का एक्सीडेंट हो गया और वो बहुत बुरी तरह जख्मी हो गए, जिसके बाद उन्हें पूरे 3 महीने अस्पताल में बिताना पड़ा। अस्पताल में रहते हुए ही उन्हें पता चला कि उनकी बनाई हुई पिस्टन की क्वालिटी तय मानकों के हिसाब से पास नहीं हो सकी, और उन्होंने टोयोटा जैसी बड़ी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट भी खो दिया। होंडा के लाइफ में सब कुछ उनके खिलाफ चल रहा था। उनके जीवन की पूरी कमाई डूब चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और पिस्टन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारी कंपनियों के मालिक से मिले। लेकिन तभी फिर से उन पर एक बहुत ही बड़ी आफत आ गई। 1944 में दूसरे विश्व युद्ध के समय अमेरिकी B-29 हमले में उनकी फैक्ट्री पूरी तरह जल गई। इस घटना ने होंडा को दहला कर रख दिया था। लेकिन दोस्तों, जब आंखों में अरमान लिया
मंजिल को अपना मान लिया। है मुश्किल क्या आसान है क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। युद्ध खत्म होने के बाद होंडा ने अपने कंपनी के अवशेषों को 4,50,000 येन में बेच दिया और अक्टूबर 1946 में उन पैसे का उपयोग करते हुए होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट खोला। युद्ध में हारने के बाद जापान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था और उनकी पूरी इकोनॉमी गिर चुकी थी। लोग पैदल या फिर साइकिल से चलने को मजबूर हो गए थे। इन सभी प्रॉब्लम्स को देखते हुए होंडा के दिमाग में एक आइडिया आया और फिर उन्होंने एक छोटा इंजन बनाकर उसे साइकिल से जोड़ दिया। होंडा का यह कॉन्सेप्ट लोगों को बहुत पसंद आया और लोगों ने उनके द्वारा बनाई गई इस बाइक को खरीदना शुरू कर दिया। बस यहीं से होंडा की सफलता शुरू हो गई। होंडा ने इस बाइक का नाम चू चूओ दिया, जिसकी कीमत करीब 1500 रुपए थी। 1949 में उन्होंने अपनी कंपनी का नाम होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट से बदलकर होंडा मोटर कंपनी रख दिया और फिर उसी साल होंडा ने 2-स्ट्रोक इंजन की बाइक भी निकाली। उसके बाद से उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और सोइचिरो की होंडा कंपनी 1961 में हर महीने 1,00,000 मोटरसाइकिलों का उत्पादन करने लगी और 1968 में कंपनी के हर महीने का उत्पादन बढ़कर 10,00,000 मोटरसाइकिलें हो गई। कुछ सालों के बाद जापान की अर्थव्यवस्था सुधरी और तब होंडा ने 4-व्हीलर में भी अपना कदम रखा और वहां भी पूरी तरह छा गया। होंडा कंपनी के सफल होने का एक मुख्य कारण यह भी था कि सोइचिरो खुद मजदूरों के साथ मिलकर काम करते थे और छोटे कर्मचारियों को भी बड़े अधिकारियों की तरह ही सम्मान देते थे। आखिरकार अपार सफलताओं के बाद 5 अगस्त 1991 में सोइचिरो होंडा ने इस दुनिया को अलविदा कहा। लेकिन दोस्तों, उन्होंने अपने जीवन से हमें यह सिखा दिया कि हार मानो नहीं तो कोशिश बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।